सरगी, क्या हुआ सरगी? तुम दीदी चिल्ला क्यों रही? दीदी वो मुझे मार देगी, दीदी वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी? दादी, दादी मुझे मार देगी। तुमने फिर से वही सपना देखा? हाँ दीदी, हाँ मैंने वही सपना देखा और मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। सरगी, डर तो मुझे भी लग रहा है। दीदी दीदी अभी क्या होगा? दीदी डरो मत, यहाँ से चलो चलो। वो हम मामा के रूम में जा रहे हैं। बुढ़िया का पीछा छोड़ी। मामा देखो बेटा, दादी सच में थोड़ी ना है, है यहाँ पे, देखो कहीं है, है दादी यहाँ पे? और वैसे भी मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा के लिए, हाँ हूँ ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा मैं। मामा पर मैं आपके साथ ही सोऊंगा, आपके रूम में मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑलराइट, आप मेरे साथ सोना ठीक है, लेकिन आप अब बिल्कुल नहीं रोएंगे ठीक है? नहीं रोना ना और डरना भी नहीं किसी से आप ठीक है, आ जाओ मेरे पास। लेकिन मामा जी, किसी दिन दादी यहाँ सच में आ गई तो कैसे आएगी? दादी नहीं आएगी, वो मैंने बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन दादी अगर आ गई तो क्या होगा? सपना देखा होगा? नहीं मामा जी, आप खुद देख लो नीचे। Thank you.
हो गई। यहाँ कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों तक आज तक नहीं आया, आज अचानक यहाँ पे। मामा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी मेरा मतलब है कि मुझे डर नहीं लगता इससे। और देखो आप लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना। चलो यहाँ से चलो। बच्चे कहाँ हैं? राजमाता आपका स्वागत। बच्चों वहां ऊपर क्यों खड़े हो, यहां नीचे आओ अपनी दादी के पास आओ। नहीं मामा जी, नहीं जाना, वो सबको मार लिया मामा जी, प्लीज मामा जी नहीं जाना मुझे मामा जी। ठंड बड़ी बेटा, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। चल 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 चल। मैंने कहा बच्चों को नीचे लेकर आओ। जी जी आ रहे आ रहे, चलो चलो जा आगे बैठो, कोई बात नहीं। बच्चों यहाँ आओ, अपनी दादी के पास आओ आओ। मैं देखता हूं। सरगी, अरे सरगी बात तो सुनो मेरी, सरगी तिमलक, आज रात के लिए तैयार रहना, जाओ। Thank you.
मामा जी अब हम क्या करेंगे? कोई कोई रास्ता मिला क्या? वही तो नहीं मिल रहा है। दादी को भगाना इतना आसान नहीं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने साल गायब होने के बाद वो आई क्यों है। मामा, मामा, क्या हुआ? दादी के बैग में इतना बड़ा हथौड़ा लाई है, मैं पक्का कहता हूँ वो हम सब कुछ से मार देगी। सरगी ढोंगरी को ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसे कम मत समझो मिमी। देखो मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, पर बहुत खतरनाक है वो। हाँ वो बहुत बुरी है और उनको मैजिक भी आता है। जो औरत अपने बेटे को मार सकती है वो तुम? अपने बेटे को? You mean dad? No no, I'm sorry, मैं टेंशन में कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। I'm really sorry। नहीं मामा जी, प्लीज हमें सारी बात बताइए। प्लीज मामा जी बताइए हमें क्या हुआ था। नहीं बेटो, मामा जी प्लीज। ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन अब जब सच सामने आ ही गया, तो उस दिन तुम्हारी दादी, तुम्हारे मॉम डैड एक साथ उस कार में सफर कर रहे थे। उनकी मौत हो गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट, तुम्हारे मॉम डैड उसमें मारे गए, लेकिन राजमाता गायब हो गई और लौट के कभी नहीं आए। आती भी कैसे, सब उसी का किया धरा जो है। उसी की वजह से तुम्हारे मॉम डैड हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि उसे नफरत थी तुम्हारी मॉम से। इस बात के लिए उसने तुम्हारे डैड को कभी माफ नहीं किया, कभी नहीं। उस दिन जब फाइनली उसे मौका मिला, तो उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। चलो मैं एक बार के लिए समझ भी सकता हूं, तुम दोनों ने क्या बिगाड़ा उसका। तुम दोनों तो उसके खानदान के आखिरी वारिस हो, तुम्हारी दादी है वो। अपने पोता पोती की कोई जान लेता है क्या? मैं कुछ नहीं ढूंढूंगा तुम्हें, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा सगा मामा नहीं तो क्या हुआ? तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। वे जादूगरनी को अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में? दीदी भागो! Oh!
बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। लगता है दादी ने बंद कर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम भाग भी नहीं पाएंगे अभी तो दीदी। सगी शांत हो जाओ, ओके? कुछ नहीं होगा, ओके? जी इसका मतलब दीदी